नमस्कार, आप देख रहे नेशन न्यूज़, मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद एनडीए की जीत हुई और उसके बाद जो महागठबंधन है वो बैकफुट पाया और उसकी हार हो गई। लेकिन उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 16 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया और उनके बाद उनके मंत्रिमंडल के मंत्रीगण ने भी शपथ ग्रहण किया। और आज मैं बता दूं, मैं अभी खड़ा हूं यहां पर विकास भवन में, नए सचिवालय में, जहां पर आज जो मुकेश सहनी है, जो कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने आज अपना पदभार भी ग्रहण किया है। आज ही के दिन यानी कि आज 24 नवंबर को उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। मैं आपको बता दूं कि मुकेश सहनी जो हैं वो वीआईपी के प्रमुख भी रह चुके हैं और उन्हें पशु एवं मत्स्य विभाग का मंत्री बनाया गया है। और आज 4 बजे शाम को उन्होंने विकास भवन में अपने दफ्तर में उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। क्या कुछ कहा है मीडिया से बातचीत के दौरान, क्योंकि आज उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और क्या कुछ कहा मुकेश सहनी ने आप सुनिए इस वीडियो में। के लिए मतलब और जो भी विक्रेता है वो निश्चित तौर पर उसके लिए बेहतर व्यवस्था हो, ताकि मार्केट हो और वहाँ से लोग अपना ये करें, तो उसके लिए भी विभाग में आए, बहुत सारी चीज़ें जानकारी प्राप्त करके और सारी चीज़ें आप लोगों को शेयर करेंगे। और तो आज मैं आया हूँ, लेकिन ये सब पे हम लोग का नज़र रहेगा। और बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व से 15 साल ने आप देख सकते कि कितने बड़े गड्ढे में था, वहाँ से निकाल के माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ तक लाए हैं। निश्चित तौर पे आज जिस जगह पे, इससे बेहतर जगह पे हम लोग सब मिलकर पहुँचाएंगे और जहाँ जहाँ दिक्कत होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। और आपको तो पता ही है कि मैं किस तरीके से काम करते आया हूँ, कि 0 लेवल से उठकर मैं यहाँ तक पहुँचा। तो काम करने में 24 आवर्स अगर मुझे समय देना पड़ा तो मैं कार्यालय में या जहाँ पे भी हो 24 घंटा हम काम करेंगे और जनहित का काम करेंगे। निश्चित तौर पे मेरा कोशिश होगा, जो अन्य अन्य प्रदेश से मछली लाया जाता है बिहार में, हम चाहेंगे कि हमारे बिहार में उत्पाद बढ़े और बिहार से दूसरे प्रदेश में मछली को भेजा जाए। और पूर्व में भेजा जाता था, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ सालों से इस तरीके से नहीं है, लेकिन हमारा कोशिश होगा जो मछली का उत्पाद है बड़े स्केल पे हम लोग उसको बढ़ाएंगे और दूसरे प्रदेशों को भी बिहार का मछली दूसरे प्रदेशों को खिलाने का काम हम लोग करेंगे। लोगों का याद आया और अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करना है, इसलिए मुंबई जैसे शहर को छोड़कर मैं बिहार आया हूँ। तो निश्चित तौर पर इसका आने वाले समय में इसका रिजल्ट आप लोगों के बीच प्रॉब्लम हुआ और हमारे मुख्यमंत्री जी अगर कुछ घोषणा है तो निश्चित तौर पर वो घोषणा पे अगर अच्छे है और किसी कारण नहीं लागू हो पाया तो उस पर हम लोग ध्यान रखेंगे और मजबूती से काम करेंगे। तो सुना आपने, मुकेश सहनी हैं ये जिन्होंने आज पदभार ग्रहण किया है, पशु एवं मत्स्य विभाग के मंत्री बन गए हैं मुकेश सहनी। और उन्होंने कहा है जो कुछ भी अपने मीडिया में बातचीत के दौरान, वो आपने सुना। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन न्यूज़ को। धन्यवाद।